एक तरफ तो देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, वहीं जिले के अस्पतालों में बैठे लोग इलाज में भेदभाव करते नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा अब्दुल कादिर का इलाज करने से साफ मना कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर जमकर यह वीडियो वायरल भी हो रहा है। वहीं जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जांच के बाद अस्पताल पर कार्यवाही करने की बात कही है। आपको बता दें कि यह मामला मथुरा का बताया जा रहा है। दुनिया में फैले कोरोना वायरस के चलते जहां महामारी से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, वहीं धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर से स्वस्थ होने की उम्मीद लगाकर दवा ली जाती है, मगर डॉक्टर अब इलाज में भेदभाव करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जब पड़ताल की गई तो पता चला कि मथुरा के भूतेश्वर इलाके में स्थित प्रकाश नर्सिंग होम है। बताया गया है कि 29 अप्रैल को मथुरा के सुभाष नगर निवासी अब्दुल कादिर ने बनाया है। अब्दुल की पत्नी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई तो वह उसे दिखाने डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल और डॉक्टर अल्पना अग्रवाल के यहाँ ले गई, जहां उन्होंने डॉक्टरों और स्टाफ से अपनी बीमार पत्नी को देखने की गुहार लगाई। पैरामेडिकल स्टाफ ने बीमार महिला को देखने से पहले उसका नाम पता पूछा तो पीड़िता के पति ने नाम अब्दुल कादिर बताया तो नाम सुनते ही इलाज करने से साफ इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ हिंदुओं का इलाज होता है, मुस्लिमों का नहीं। इतना सुनते ही पीड़िता और उसके पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनंद फानन में अपना मोबाइल निकाल कर वीडियो बना ली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हॉस्पिटल स्टाफ अपनी वीडियो बनता देख डॉक्टर ने उसकी पत्नी ने पीड़िता को बुलाया और उसका इलाज किया, मगर पीड़िता के पति का वायरल वीडियो पर कहना है कि जब इंसान में भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो नीचे बैठे लोग भेदभाव क्यों करते हैं। अब वो अस्पताल संचालक डॉक्टर और उसकी डॉक्टर पत्नी के खिलाफ भेदभाव करने पर दंडित कराने की गुहार अधिकारियों से लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखना यह होगा कि क्या धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर लोगों से धर्म और जाति पूछकर इलाज करेंगे। भेदभाव करने वाले डॉक्टरों और स्टाफ पर क्या प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही की जाएगी। वहीं अन्य प्रत्यक्ष दर्शियों का भी कहना है कि डॉक्टर ने जो व्यवहार किया वह निंदनीय है और इसकी कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं जब डॉक्टर और उसकी डॉक्टर पत्नी से वीडियो के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि कहीं कोई गलतफहमी के चलते स्टाफ ने ऐसा कुछ बोल दिया होगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, मगर हमने पीड़िता को ठीक से देखने के बाद दवा देकर भेजा है और अब वह खुश है। वहीं जब अपर जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूदेव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस वायरल वीडियो की जानकारी हमें अभी तक नहीं है, अगर ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है तो जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। अभी तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक डॉक्टर है, एक व्यक्ति अपनी वाइफ को दिखाने जाते हैं और वहाँ उनका कोई नर्सिंग स्टाफ है, वो कहता है कि हम मुसलमानों को नहीं दिखाया जाता, हिंदू को दिखाया जाता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ही निंदनीय और खेदजनक बात है कि बीमारी को हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। बीमारी ना हिंदू को देखेगी ना मुस्लिम को देखेगी, एक आम आदमी को देखेगी, वो हिंदुस्तानी होगा। अगर कोई भी इस तरीके का कृत्य करता है, डॉक्टर को भगवान के बाद में लोगों की आज लगती है कि ईश्वर के रूप में हमारी प्रीति है, हमारे सामने है, भगवान के रूप में हमें सहायता इनसे मिलेगी। अगर ऐसा कोई करते हैं तो उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई मांग करते हो? हाँ बिल्कुल, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसे कोई काम। क्या पागल है वो, वैसे ही खड़ा कर रखा है आपने यहाँ पे? नया उसने तो छूट कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हुए हैं कि अगर हिंदू पेशेंट हो तो दिखाएं, अगर मुस्लिम हो तो मना करते हैं बाहर से। ये गल बता, इसने कहा छूट के अगर हम हिंदू पेशेंट होंगे तो ही देखेंगे, ऊपर से ऑर्डर कहाँ से यहाँ पे? कहाँ से ऑर्डर है आप पे? कहाँ से ऑर्डर है आप पे? मैं अंदर पूछ के तो बता रहा हूँ। आपने अंदर पूछ के बताया ना, और ये डीएम साहब बताएंगे आपको कि अंदर से पूछना है बाहर से पूछना है? कहाँ से पूछा आपने? अंदर से पूछ के बता रहे हो, इसलिए बाहर खड़े होकर मना कर देते हो आप। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? लाइव चल रहा है, चिंता मत करो। क्या नाम है? अरे नाम क्या है? क्या नाम है? पूछ के बताया ना, किससे पूछा था आपने जो बता दो, किससे पूछा था? अरे किससे पूछा था भाई? अरे किससे पूछा था आप बताओ तो सही। नहीं परेशानी डॉक्टर साहब कुछ नहीं, मैंने कहा मुझे दिखाना है, मेरी वाइफ है,
थोड़ा सा कंपन हो रहा है हाथ पैरों में और सीने में थोड़ा सा हल्का सा इन्फेक्शन। तो इन्होंने कहा आप हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा क्या हुआ कि यहाँ पे हिंदू पेशेंट देखे जाते हैं मुस्लिम नहीं देखे जाते है? नहीं ऐसा है, पहले से तो हम आपसे दवा लेते हैं, ये पेशेंट आपके यहाँ की है, मगर इसने कहा कि मुझसे कि यहाँ पे हिंदू देखे जाएंगे मुसलमान नहीं देखे जाएंगे। नहीं डॉक्टर है नहीं, तो ये क्यों कह रहा है इस चीज को? ये कह रहा मेरे पास ऊपर से ऑर्डर है, ये कह रहा मेरे पास ऊपर से ऑर्डर है, ये कह रहा अभी कहा इसने, इसने कहा मेरे पास ऊपर से, ये लाइव चल रहा है, सब देख रही है, तो पूरी पूरी पूरा दुनिया देख रही है सर। अब बताओ क्या कह रहे हो तुम, मतलब हिंदू होगा तो दिखाओगे, मुसलमान होगा तो नहीं दिखाओगे? मेरे माथे पे लग रहा है मैं हिंदू मुसलमान हूँ, कैसे तुमने पहचान लिया मुझे? डॉक्टर साहब ये कौन सी बात है आप बताइए। नहीं मुझे वैसे पहले तो दिखाना था मगर अब नहीं दिखा पाऊंगा मैं, सॉरी। नहीं तो फिर ये क्यों कह रहा आपका लड़का? नहीं ये पागल है तो पागल खाने मेरे यहाँ क्यों कर रखा है सर? ड्राइवर साहब को क्या निर्देश दिए गए आपकी तरफ से? ड्राइवर साहब को यही निर्देश दिए गए थे जब जो भी ट्रांसपोर्ट करने हैं वो अपने यूनिफॉर्म जो पीपीई किट बोलते हैं सेम उसे पहन के ही ये लोग उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये अभी किन लोगों को यहाँ लेके आए हैं और क्या चल रहा है अभी? ये एक्चुअली जो दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद के पास जो तबलीगी पकड़े गए हैं जमात के जो लोग हैं उन्हीं के सस्पेक्टेड में है कि इनका उनसे कॉन्टेक्ट रहा है, इसीलिए इनको यहाँ पर हम लाए हैं और इनकी हम लोग जांच कराएंगे और उनके बाद जो भी निर्णय होगा। कितने लोग करीब आए डॉक्टर? करीब हमारे पास जो LIO की इंटेलिजेंस से जो दिल्ली से लिस्ट आई थी वो करीब 41 लोगों की लिस्ट आई थी, जिसमें से करीब हम 21 लोगों को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर लाए हैं, बाकी जो हमारी और जो दूसरी RR टीमें हैं वो उनको ट्रांसपोर्ट करके ला रही है। काम बताया जा रहा है कि ये बिना बताए यहाँ छुप कर रह रहे थे और किसी मस्जिद से? नहीं बिना बताए नहीं, ये जमात के लोग हैं, ये अक्सर कर इसी तरीके से रहते हैं, ये अपने घर जैसे कुछ लोग आगरा के हैं ये आगरा से आते हैं और हर मस्जिद में दो दो तीन तीन दिन अपने गुजारते हैं और फिर अपना 3-4 महीने बाद अपने फिर घर लौट जाते हैं। अभी किस तरह की कार्रवाई आगे अमल में लाई जा रही है? अभी किस तरह से बस इनको हमने इनको स्क्रीनिंग कर बतौर इनको ले आए हैं, इनकी हम जांच वगैरह कराएंगे, जांच वगैरह करने के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं उसके अनुसार आगे की कार्रवाई चलती है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जी जी जी। पर कहाँ का वीडियो क्यों बनाया था आपने, क्या मामला है? नर्सिंग होम भूतेश्वर का है वो, एक्चुअल में मेरी वाइफ को लेकर मैं हॉस्पिटल में दिखाने गया था तो हाथ पैरों में दर्द हो रहा था कंपन, तो मैं जब गेट पर पहुँचा तो कंपाउंडर मुझे मिला और उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए, तो मैंने उसे बताया कि मैं वहाँ से सुभाष नगर से आया हूँ, तो बोले बताइए क्या दिक्कत है, मैंने कि ये दिक्कत है मेरी वाइफ को कंपन हो रहा है, तो उसने मुझसे पूछा आप कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान, मैंने कि आपको इससे क्या मतलब है, बोले नहीं हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है कि यहाँ पे हिंदू पेशेंट ही देखे जाएंगे मुस्लिम नहीं देखे जाएंगे। उसके बाद में फिर मैंने वीडियो अपना कैमरा निकाल के वीडियो बना ली और फिर उसने वहाँ पे कंपाउंडर ने भी और उस नर्स ने भी और वहाँ के सारे स्टाफ ने एग्री करा कि हाँ साहब इस लड़के ने ये कहा, और डॉक्टर साहब ने फिर आके बोले कि नाम है कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं, हम तो सबे देखते हैं, मगर उस लड़के ने कहा कि मेरे पास ऑर्डर है अंदर से, अब वो पता नहीं कहाँ से अंदर से बता रहा था। डॉक्टर साहब कहना है कि आपने जो अपनी वाइफ का नाम संगीता बताया था इसलिए कन्फ्यूज हो गए थे वो? नाम का तो वहाँ कोई पहले इशू ही नहीं आया, उसने गेट पे ही मुझे रोक लिया, उसने पहले ही क्वेश्चन ये करा था कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, और मैंने चीख चीख के वीडियो में भी कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, ये मैंने वीडियो में कहा और सारी चीज़ मैंने बताई, मैंने CMO साहब का भी नाम लिया, DM साहब का भी नाम लिया और वीडियो में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने ना खोली हो। अब क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं आप? नहीं मैं तो ये चाहता हूँ कि समाज के प्रति ये चल रहा है हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, लोगों को नुकसान हो रहा है, डॉक्टर हमने तो सब देखा था फिल्मों में देखा था कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, मगर यहाँ तो मामला कुछ और ही है, यहाँ तो आज जातिवाद हो रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.